हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एसपी ऑर्डर नंबर 8/2023 के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो एसपी ऑर्डर नंबर 8 है उसका जो सब्जेक्ट है वो था रिगार्डिंग सर्कुलेशन ऑफ गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन जनरल रूल्स 2023। बेसिकली जो गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन जनरल रूल्स थे उनमें अमेंडमेंट किया गया है। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि उसमें कुछ सुधार किया गया है और रूल्स को अब नाम दिया गया है 2023। इस संबंध में हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या था। तो सबसे पहले आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जो गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन जनरल रूल्स 2018 थे उसमें एक रूल नंबर 6 था, 6 का सब क्लॉज 1 था। यानी कि अगर कोई रूल नंबर इस तरीके से लिखा हो या इस तरीके से लिखा हो, इसका मतलब है कि ये तो रूल नंबर है, ये इसका पार्ट है और ये भी इसका पार्ट है। यानी कि इस तरीके से मान सकते हैं कि रूल नंबर 6 का पार्ट 1 और इसका भी पार्ट, यानी कि रूल का सब रूल, सब रूल का भी सब रूल। इस तरीके से आप लोग इस बात का ध्यान रख सकते हैं। तो बेसिकली इनमें क्या चेंजेस किए गए हैं और इस एसपी ऑर्डर में क्या सुधार किया गया है इसके माध्यम से, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बेसिकली क्या किया गया है कि जो आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन से मतलब है कि अगर किसी का कोई अकाउंट है और आप आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में मोस्टली केसेस में हम लोग क्या लेते हैं, तो मोस्टली केसेस में हम लोग क्या लेते हैं, एक तो आधार कार्ड लेते हैं कस्टमर का और दूसरा पैन कार्ड यूज़ करते हैं। आधार कार्ड सिंपली किसके लिए है कि उसकी पहचान और पते के लिए लेते हैं। यानी कि एक आईडी प्रूफ हो गया आइडेंटिटी प्रूफ, दूसरा हो गया क्या एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में इन दोनों के लिए हम लोग कॉमनली जो यूज़ करते हैं वो करते हैं आधार कार्ड। और पैन कार्ड यूज़ क्यों करते हैं, इनकम टैक्स की वजह से। यानी कि अगर इनकम ज़्यादा है तो उस तरीके से हम लोग पैन कार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आधार कार्ड का क्या सीन है कि अगर कोई अकाउंट है और इस अकाउंट को अगर खोलना है, एक तो अकाउंट अभी खोलना है यानी कि वो न्यू है और एक अकाउंट है खुला हुआ, इसका मतलब है कि वो पुराना है। तो जो कोई अकाउंट खोलना है उसके लिए आप लोगों को आधार कार्ड लेना है कस्टमर से, और कस्टमर का अगर आधार कार्ड उस समय पर नहीं है यानी कि उनका आधार कार्ड ही नहीं बना हुआ है, तो आधार कार्ड बनवाने के लिए एक रिसिप्ट दी जाती है। यानी कि एक कस्टमर है, ये आधार सेंटर जाता है, आधार सेंटर पर जाने के बाद में अपना डिटेल देने के बाद में इनको एक रिसिप्ट दी जाती है, जैसे एनरोलमेंट रिसिप्ट कह सकते हैं आप लोग, या एनरोलमेंट भी कह सकते हैं आधार के लिए। तो सिंपली जिनके पास में आधार कार्ड नहीं है तो वो लोग एनरोलमेंट की जो रिसिप्ट है उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन एनरोलमेंट की रिसिप्ट लगाने के बाद से खाता खुलने के 6 माह के अंदर अंदर, यानी कि आप लोगों ने अकाउंट ओपन के समय पर अगर आप लोगों ने आधार दिया है तब तो कोई मैटर है ही नहीं, अगर आप लोगों ने आधार के जो एनरोलमेंट करवाया है उसकी रिसिप्ट दी है तो उस केस में क्या करना है कि अकाउंट ओपन से 6 माह का जो समय है इसके बीच में आप लोगों को ओरिजिनल आधार कार्ड की फोटोकॉपी अकाउंट के लिए देनी होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और जिनके ऑलरेडी अकाउंट ओपन है उनके में आधार कार्ड नहीं है तो वो लोग भी 1 अप्रैल 2023 से पहले पहले आधार कार्ड जुड़वा लें, नहीं तो यहाँ से लेकर के, कहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के आप लोगों को 6 माह का समय मिलेगा, आप लोग इस बीच में भी आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। अगर किसी ने आधार कार्ड नए अकाउंट में या जिनके ऑलरेडी खुले हुए यानी कि पुराने अकाउंट्स में आधार कार्ड नहीं होंगे, उनका जो लेन देन है यानी कि जो जमा और निकासी है वो उनका फ्रीज कर दिया जाएगा। फ्रीज से मतलब है कि वो रोक दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। कब तक रोकेंगे, जब तक आप लोग आधार कार्ड उपलब्ध नहीं करवाओगे तब तक। नेक्स्ट, दूसरा पैन कार्ड का सिस्टम है। अगर किसी का अकाउंट ओपनिंग के समय पर पैन कार्ड है तो कोई मैटर नहीं है, और अकाउंट ओपनिंग के समय पर पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में क्या है कि उस केस में 3
तरीके के इवेंट होंगे, यानी कि मान के चले कि किसी का ये अकाउंट है और अकाउंट ओपन के बाद में किसी भी समय अगर इस खाते में पैसे 50,000 रुपये से ज़्यादा होंगे तो आपको पैन कार्ड आवश्यक रूप से देना होगा। और अगर किसी ने एक वित्तीय वर्ष में अगर किसी के अकाउंट में पैसा एक लाख रुपए से ऊपर जाता है, जैसे मान के चले कि ये एक अकाउंट ओपन किया किसी ने, इस वर्ष इसने 50,000 रुपये जमा किए, अगले वर्ष इसने 50,000 रुपये जमा किए, यानी कि टोटल कितना हो गया, 1,00,000 रुपये जमा हो गया। अगर ये लोग 1,000 रुपये भी जमा करवाएंगे तो इसका मतलब ये है कि इनको अब आधार पैन कार्ड देना ही होगा। यानी कि अगर किसी का बैलेंस एक टाइम पर 50,000 से ऊपर जाए या सभी जमाओं को मिला करके एक उस खाते में किसी भी वित्तीय वर्ष में अगर 1,00,000 रुपये से ज़्यादा बैलेंस जाता है तो उनको पैन कार्ड देना होगा। साथ के साथ अगर किसी महीने में 10,000 रुपये से ज़्यादा का या तो निकासी हो या ट्रांसफ़र हो, ट्रांसफ़र से मतलब है कि आप लोग नेफ्ट और आरटीए जो करते हो उससे जो ट्रांसफ़र है, एक महीने में 10,000 से ज़्यादा करते हो विड्रॉल को काउंट करते हुए, यानी कि दोनों को काउंट करते हुए 10,000 रुपये से ज़्यादा का लेन देन करते हैं, तब भी आपको पैन कार्ड कंपलसरी रूप से चाहिए। और कब चाहिए, जब ये तीनों ही कंडीशन में से कोई एक मीट करे, यानी कि एक कंडीशन आपका आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, तब से लेकर के 2 माह तक आप लोग पैन कार्ड दे सकते हैं। नहीं तो आपका क्या होगा, आपका खाता लेन देन बंद हो जाएगा, यानी कि उस खाते में आप लोग लेन देन नहीं कर सकते हैं, जमा और निकासी नहीं कर पाएंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो यही था आप लोगों के SBI ऑर्डर नंबर 8 में ये चेंजेस अब कर दिए गए हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड, ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।